भारत में अगर देखा जाए तो YouTube पर जो तीन सबसे लोकप्रिय भाषा है, नंबर एक है तेलुगु, नंबर दो है तमिल, नंबर तीन है हिंदी। तो अंग्रेजी आती नहीं है टॉप थ्री में। मराठी, गुजराती, बंगाली और तेलुगु लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के यूज़र जो हैं वो ज़्यादा एक्सटेंड इंगेज रहते हैं इंटरनेट पे। अगले 3 से 5 वर्षों में इस सेक्टर में बहुत भारी मात्रा में विकास और वृद्धि होने वाली है। अगर हम हाल ही की गूगल और KPMG की रिपोर्ट भी देखें तो उसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो नए यूज़र्स हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़ रहे हैं उसमें से 10 में से 9 यूजर्स भारतीय भाषा भाषी होंगे। ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2020 तक 50% जो ऑनलाइन शॉपर्स होंगे तो वो नॉन मेट्रो से होंगे। इंडियन लैंग्वेज इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और वॉइस चाहते हैं, जिसमें अगर कोई एंगेजमेंट हो या यूज़र इनिशिएटेड किसी तरह का भी इनपुट उनको देना हो तो उनको टेक्स्ट के साथ साथ वॉइस का भी जो है अगर ऑप्शन है तो उनके लिए वो सुविधा होता है। आप वीडियोस देखें, ऑडियोस देखें, सोशल मीडिया का सेक्टर देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि इंडियन लैंग्वेज यूज़र्स जो भारतीय भाषा भाषी यूज़र्स हैं उनका बहुत सारा कंजम्पशन भी हो रहा है, डिमांड भी हो रही है। हमारे कम से कम एक तिहाई अभी ऑडियंस जो है और जो कंज्यूमर्स है उपभोक्ता है वो ये विभिन्न भाषाएं यूज करती है। और हमारी अगर आप ग्रोथ देखेंगे लैंग्वेज यूसेज की मंथ ऑन मंथ वो काफी रोबस्ट है, ऑलमोस्ट 25-30% ग्रोथ मंथ ऑन मंथ हो रहा है।